बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे, आज इस्लामियात का टॉपिक है, आज की बात में है, उसके कुछ हवाले हैं, कुछ तजुर्बात हैं, तो एक किताब है उनका हवाला है, फिर हदीस से हम कुछ साबित करेंगे। ये टॉपिक हमारा है कि दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, उनका एहसास करें और उन्हें ज़बान से बताएँ कि आप उनकी भलाई चाहते हैं, आप उनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं या उन्हें पसंद करते हैं। अलमिया क्या है, हम जिस माशरे में रहते हैं, लोगों के साथ उठना बैठना है, हम अंदर से मोहब्बत तो करते हैं मगर हम बताते नहीं हैं, और वो मोहब्बत दबी की दबी रह जाती है और अगले को एहसास नहीं होता। उसका नुकसान क्या होता है कि अगला शख्स या दूसरा शख्स या माशरे में जो हमसे अफराद जुड़े हुए हैं वो हमारे करीब नहीं आते, माशरा बन नहीं पाता, मोहब्बतें बिखरती नहीं हैं। इस छोटे से एक्सप्रेशन को जो हम ज़बान से दो लफ्ज़ नहीं बोलते वो रह जाता है और दिल में उसके बाद कदूरतें आ जाती हैं, नफ़रतें आ जाती हैं, इख्तलाफ़ आ जाता है, दूरी आ जाती है और माशरा बिखरता जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, अब्दुल रहमान अल रफ़ी साहब है, ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए अरबिक किताब है, सऊदी अरब के राइटर हैं, हाल हयात हैं। वो कहते हैं कि एक लेडी डॉक्टर थी, उनका क्लिनिक मरीज़ों से भरा रहता था, ख़ास तौर पर औरत मरीज़ा बहुत अपने आप को उनको करीब महसूस करती थी। उसकी वजह जब मालूम हुई तो मालूम हुआ उसने अपने सेक्रेटरी से, जो लेडीज़ वो खुद वो भी औरत थी, उन्हें कहा था कि जो भी मरीज़ा मेरे बारे में पूछे, फ़ोन करे तो बिला किसी ताखिर के मुझसे फ़ोन मिलवा दो, उससे पहले उसका नाम और पता पूछ लो। फिर जब वो दोबारा फ़ोन करती थी तो नाम और पते के साथ वो डॉक्टर साहिबा उन्हें मुखातिब होती थी, तो बड़ी हैरानगी की बात, जब कोई मरीज़ा आती थी तो पहले बातों में मुकम्मल वक्त देकर उनके नाम, पते, बच्चों के नाम और उनके काम पूछ लेती थी। फिर दोबारा वही मरीज़ा जब आ जाए तो पहले उनके बच्चों के नाम वो खुद कहती, काम के बारे में पूछती और उनके सारे हालात और वाक़यात वो खुद डॉक्टर साहिबा बताती, तो मरीज़ा हैरान रह जाती और वो ऐसे महसूस करती कि जैसे कोई उनके दिल को थपथपा रहा है, तसल्ली दे रहा है, तो आधा मर्ज ऐसे ही चला जाता। तो कहती हैं कि उनके राज का सबसे बड़ा राज ये था कि वो लोगों से मोहब्बत करती थी, अपने मरीज़ाओं को ये महसूस करवाती थी कि वो उनके दिल के बहुत करीब है और ज़बान से वो उनके मोहब्बत का इजहार करती थी, यही वजह थी कि लोग उनके करीब थे। अब्दुल रहमान अल रफ़ी कहते हैं कि आदमी का यही अलमिया है, वो मोहब्बत चाहता है, एहसास चाहता है, अगर हम उन्हें ये एहसास दिलाएंगे तो कोई भी शक नहीं है कि वो आपसे दूर जाएंगे। माशरा अपने आप को करीब लाने और जुड़ने का यही फार्मूला है। उसके बाद आते हैं एक हदीस पर, हदीस तिर्मिज़ी की है, 3675 हदीस नंबर है, उसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख़लाक मुबारक और उनके लोगों से बात करने का अंदाज़ क्या होता था, वो सबको ऐसे महसूस करवाते थे जैसे वही उनके दिल के करीब हैं। वाक़या है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों भलाई के काम में पेश पेश होते थे, आगे आगे होते थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ा चाहते थे कि मैं सबसे ज़्यादा आगे निकलूं। वो अक्सर ये करते थे कि फजर की नमाज़ मुंह अंधेरे निकलते थे, जब मस्जिद में आते थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ा को पाते थे, फिर वो ये सोचते थे कि मैं पहल करने से रह गया। एक मरतबा हंगामी हालात थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोग जितना माल दे सकते हैं सदक़े में वो दे दें, हालात कुछ ऐसे हैं जिनको लोगों की ज़रूरत है। अब उन दिनों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब हैसियत थे, माल भी बहुत था, अब उन्होंने सोचा कि मैं सबसे आगे निकलूँगा, तो उन्होंने घर का काफ़ी सारा माल लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। तो जब हाज़िर हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ए उमर, तुम कितना माल ले आए हो? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ा ने कहा कि इतना माल ले आया हूँ और इतना ही माल घर पर मौजूद है, यानी अपने माल मता का आधा सामान वो ले आए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ा बैठे और वो ये देखना चाहते थे कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितना माल ले आते हैं। थोड़ी देर के बाद
हज़रत अबू बकर सदीक रज़ा तशरीफ ले आए और जब माल लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सवाल किया, ये सवाल नहीं किया कि कितना माल लाए हो, क्या छोड़ के आए हो। जुमला एक था कि क्या सदके में ले आए हो, घर पर क्या बचा है। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं घर पर खुदा और उसका रसूल छोड़ आया हूँ, बाकी सब कुछ यहाँ ले आया हूँ। तो बेसाख्ता हज़रत उमर फारूक रज़ा के दिल से निकला कि अबू बकर से कोई भी नहीं जीत सकता। अब आलम यह था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, कुर्बत, लोगों से इजहार एहसास, मोहब्बत का इजहार इतना था कि हर कोई ये चाहता था कि घर का सारा माल लेकर मैं उनकी खिदमत में पेश करूँ। एक दूसरी हदीस है, हदीस सही बुखारी की है, 707 है, यही हवाला तिर्मिज़ी में भी है और दूसरी अहदीस में भी है। उसमें है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा नमाज जल्दी ख़त्म करवा दी। तो अब सब सहाबा हैरान थे कि इतनी जल्दी नमाज कैसे ख़त्म करवा दी। तो ज़ाहरी बात है सबकी सवालिया निगाहें थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। उन्होंने कहा कि मैंने नमाज इसलिए जल्दी ख़त्म करवाई है क्योंकि सलाम फेरने से पहले मैंने एक रोते हुए बच्चे की आवाज़ सुनी थी तो मुझे उसकी माँ का ख्याल आ गया। अब ये आलम कि आदमी एक एक शख्स के एहसान को जाने तो क्यों न वो लोग दूसरे उनके करीब आएंगे। अब अब्दुल रहमान अल कुरैशी की एक कोटेशन है, चाहूँगा कि उससे एंड करूँ। कहते हैं कि लोगों के मेल जोल का मिजाज समझ लीजिए, इससे आपकी मुश्किलात में आसानी होगी। हम जब तक दूसरों के मिजाज नहीं समझेंगे, उसके मुताबिक उनके एहसासात पर नहीं चलेंगे और दिल में जो हमारी मोहब्बत है उसका इजहार नहीं करेंगे तो लोग न हमारे करीब आएंगे न हमारी मुश्किलात दूर होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।